Hello students, today we are going to solve one question based on number theory. Now questions hai ki let a and b are the two positive integers and a square by 360 is equal to b, then find the minimum value of b. To agar a aur b dono positive integers hai aur is equation se connected hai to b ka minimum value batana hai. तो बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा. तो इस गेम को ऐसे स्टार्ट करते हैं हम लोग. सबसे पहले 360 का जो है प्राइम फैक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं. तो 3 1 3 3 2 6 3 देन 40 20 2 से डिवाइड करते हैं 10 2 से डिवाइड करते हैं 5. तो यहाँ पर 2 जो है 3 टाइम्स प्रेजेंट है. 3 का जो है पावर 2 है, 5 का पावर 1 है. तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू a स्क्वायर बाय 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1. अगर b एक इंटीजर है तो a का फैक्टर से ये तीनों टर्म कैंसिल हो जाना चाहिए, सो दैट इन डिनोमिनेटर हम लोग को सिर्फ 1 रखना है. तो इसको कुछ ऐसा एज्यूम करते हैं कि a को अगर हम लोग फैक्टराइज करते हैं तो यहाँ पर कुछ नंबर आता है प्राइम फैक्टर. मान लेते 2 अल्फा टाइम्स है, 3 बीटा टाइम प्रेजेंट है, नेक्स्ट प्राइम 5 गामा टाइम प्रेजेंट है, नेक्स्ट प्राइम 7 डेल्टा टाइम प्रेजेंट है, देन 11 म्यू टाइम्स प्रेजेंट है इन दिस वे. तो यहाँ पर अगर वैल्यू को हम लोग बैठाते हैं तो यहाँ पर पावर 2 है a का, तो ये वैल्यू कैसा आएगा, 2 का पावर 2 अल्फा, 3 का पावर 2 बीटा, 5 का पावर 2 गामा, 7 का पावर 2 डेल्टा, इन दिस वे 11 का पावर 2 म्यू और जो भी अदर प्राइम है वो आ जाएगा. और लोअर पार्ट में क्या है हमारे पास, 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 और 5 का पावर 1. तो नाउ अगर यहाँ पर लॉज ऑफ इंडिजेस अप्लाई करते हैं तो 2 का पावर 2 अल्फा माइनस 3, 3 का पावर 2 बीटा माइनस 2, 5 का पावर 2 गामा माइनस 1 और उसके बाद है 7 का पावर 2 डेल्टा, 11 का पावर 2 म्यू. इन दिस वे बाकी सारे जो है फैक्टर्स अपीयर होंगे. अच्छा, यहाँ पर ये जो नंबर है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा म्यू, ये जो पावर्स में जितने भी नंबर आ रहे हैं ये जो है बिलोंग्स टू होल नंबर है. अगर बी को मिनिमम वैल्यू होना पड़े तो ये जो वैल्यू है 2 का पावर ये मिनिमम आना चाहिए, 3 का पावर मिनिमम होना चाहिए और 5 का भी पावर मिनिमम होना चाहिए. और ये जो बाकी पावर है 2 डेल्टा 2 म्यू, ये सारे बाकी जो भी प्राइम फैक्टर आ रहे हैं उनका पावर को मैं ज़ीरो कर दूंगा, डेल्टा म्यू ये सबको ज़ीरो कर देते तो ये सारा वैल्यू 1 हो जाएगा. अब यहाँ पर अगर हम लोग अल्फ़ा को 1 चूज़ करते तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2 का पावर माइनस 1 आ जाएगा. इसका मतलब ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा और बी फिर इंटीजर नहीं होगा. अगर अल्फ़ा 1 नहीं ले सकते, अल्फ़ा को अगर 0 लेंगे तो 2 का पावर माइनस 3 आएगा, तो इसका मतलब 2 फिर डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो फिर बी इंटीजर नहीं होगा. तो अगर अल्फ़ा को हम 2 लेते हैं तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 3 1, इसका मतलब ये जो 2 है पावर 1 के साथ न्यूमरेटर में ही रहेगा. तो 2 हमको बी का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इस वजह से मैं 2 को यहाँ पर एक्सेप्ट करता हूँ. ठीक इसी वजह से यहाँ पर देखिए, अगर बी को मैं बीटा को 0 ले लेता हूँ तो अगर बीटा को 0 लेंगे तो ये 3 का पावर माइनस 2 होगा और ये 3 फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है ना. तो इसका मतलब बी इंटीजर नहीं होगा, ठीक है ना. तो बी को इंटीजर करने के लिए क्या करना होगा, तो बीटा का 0 वैल्यू नहीं लेके 1 लेते हैं. तो बीटा को जब 1 लेंगे तो 2 माइनस 2 0, 3 पावर 0 1, तो ये एक इंटीजर वैल्यू आ रहा है बी का. तो यहाँ पर हम लोग बीटा को 1 ले लेते हैं. 2 गामा माइनस 1, अगर यहाँ पर गामा को 0 लेते हैं तो 5 का पावर माइनस 1 आता है जो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में जैसा जाएगा तो फिर बी इंटीजर नहीं हो सकेगा.
तो यहाँ पर करके क्या है कि गामा का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 1 लेने से 2 माइनस 1 पॉजिटिव 1, तो 5 ऊपर ही रहेगा। बाकी जो भी डेल्टा म्यू जो भी पावर है प्राइम नंबर्स का उसको आप एज्यूम कर सकते हो, लेकिन बीटा का वैल्यू फिर मिनिमम नहीं रहेगा। मिनिमम होने के लिए बाकी जितने भी प्राइम हैं उनके पावर को मैं 0 ले लेता हूँ, तो बाकी जो भी है वो सब 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर बी का फिर मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है कि 2 का पावर आपको 1 मिल रहा है, 3 का पावर 0 मिल रहा है और 5 का पावर भी 1 आ रहा है। तो इसका मतलब 10, बी का जो मिनिमम वैल्यू है वो 10 आ जाएगा, तो बी मिनिमम इज़ 10। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट।